नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज सोचा थोड़ा कुछ अलग बनाएं, तो इसलिए आपके साथ शेयर करने का दिल किया, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ कबाब और वेजिटेबल का रोल। इसमें ये सब ऑप्शनल है, आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मेरे पास कॉर्न था, कैप्सिकम है, और ये सलामी है, ये चिकन सलामी है, और ये कबाब है, ये चिकन कबाब है। ये मेरे पास था तो मैंने सोचा सब कंबाइंड करके मैं करूं। तो अगर आपके पास कुछ भी हो, पनीर हो, अगर आप वेज हैं तो आप पनीर दे सकते हैं, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो वेल एनफ आप क्यूब्स, चिकन बोनलेस क्यूब्स करके भी दे सकते हैं। तो आज मैंने कबाब से कबाब रोल बना रही हूँ। अब देखिए, आप भी बनाए, देख के बनाइएगा, खाइएगा, फिर बताइएगा मुझको कैसा हुआ। तो मैंने पहले प्लेन रोटी बनाया, अभी तवा भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, बाद में मैं उसको थोड़ा तेल से मैं सेंक दूंगी। अभी से बनाने से फिर इसका ग्रिप रहता नहीं है और बनाने में थोड़ा तकलीफ होती है। तो शुरू करें। इसके लिए मुझे चाहिए ये एक मेयोनीज है, ये आपको कोई भी सुपर मार्केट में मिल जाएगा। ये रोल का सॉस है, जैसे आप सब्वे में खाते हैं ना, सब्वे सैंडविच में देते हैं, वही चीज़ है। और ये तो आप सभी जानते हैं, ये तो टमाटो सॉस है, कॉमन थिंग है। तो शुरुआत करें, मैं आपको एक रोल बना के दिखा रही हूँ। सब आप तो खाए होंगे, फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करने का दिल किया, तो आज मैं कर रही हूँ। ये एक लॉकडाउन रेसिपी है, अभी तो कहीं बाहर भी तो नहीं जा सकते ना, कुछ लाना भी तकलीफ है, इसलिए घर में जो ही चीज़ है उसी में से बनाने की कोशिश कर किया है मैंने। और ये सॉस है, थोड़ा ही दीजिएगा, और टमाटो सॉस। सॉस ना आपके ऊपर है, आप जितना खाते हो उतना आप दे सकते हो। अभी मैं ये हाथ से रोल इसको अरेंज करूंगी, पहले सलामी दे, फिर एक कबाब दें, फिर और एक बार एक सलामी दें, फिर ये थोड़ा वेजिटेबल्स दें, घर में बैठना भी तो कितनी मुश्किल होता होगा, नहीं आपके लिए, हमारे लिए भी, क्या करें। अभी ज़माना ऐसा आ गया है जो हमको मजबूरन घर बैठना पड़ता है। बस भगवान से दुआ है सब अच्छे रहें, सेफ रहें, हमारा कामना यही है। और घर में जो है उसी से थोड़ा बना के जैसे थोड़ा खाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने बनाया, अगर इसके ऊपर आप सॉस देना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, पर हम लोग ज़्यादा सॉस नहीं खाते, इसलिए मैं ऐसे इसको रोल कर रही हूँ। इसको रोल करके फिर मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगी, जैसे ऐसे मोड़ते हैं ना, ऐसे मोड़ दूंगी मैं, फिर इसको ऐसे रखूंगी। थोड़ा ऑयल ब्रश कर दूंगी, एकदम सूखा भी नहीं खाया जा सकता, ऐसे थोड़ा ऑयल ब्रश कर दूंगी। ये लॉकडाउन का जो परिस्थिति ऐसा हुआ है, तो परेशान हो गए हैं, फिर भी इसी के अंदर थोड़ा कुछ जो मिलता है वही उसी में खुश रहने की कोशिश करते हैं, करेंगे, भगवान सब कुछ ठीक कर दे, अच्छा कर दे, बस वही चाहते हैं।
ऐसे थोड़ा प्रिकॉशंस भी लेना भी तो ज़रूरी है। आप ऐसा करिएगा, गर्म पानी करके फ्लास्क में रख दीजिएगा। अगर गर्म पानी पीना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा उसमें प्लेन गर्म पानी पीना अगर अच्छा नहीं लगता है तो उसमें 1 स्पून की 2 स्पून हनी डाल दीजिएगा और उसको पीजिएगा तो टेस्ट भी लगेगा और पीने को भी अच्छा लगेगा। बड़े भी अगर ना भी पिए तो बच्चों को तो ज़रूर पिलाइएगा। अगर गर्म पानी भी नहीं पी सकते, गर्म पानी को ठंडा करके उसमें 1 पीस बर्फ का डाल दीजिए, वो भी अच्छा लगेगा। देखिए मैंने इसको सेंक दिया है, ये रोल बन गया। एकदम सूखा रोटी तो नहीं खाया जा सकता, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। अभी दूसरा मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं रोटी पहले से बना के रखी थी। पहले मेयोनीज थोड़ा स्प्रेड कर दे रही हूँ। फिर ये सॉस डाल रही हूँ। फिर उसके ऊपर टमाटो सॉस डाल रही हूँ। फिर ये आप अरेंज कर दें, पहले कबाब, फिर सलामी, फिर वेजिटेबल्स। थोड़ा ज़्यादा कबाब भी अगर देना चाहे, ये आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। अगर बहुत स्पाइसी आपको पसंद है, इसमें आप एक लाल मिर्ची भी, कश्मीरी मिर्ची भी डाल सकते हैं और चिली सॉस भी डाल सकते हैं। हमारे घर में हम स्पाइसी ज़्यादा खाते नहीं है, इसलिए हमने नहीं डाला है। कोई बात नहीं, खुलता है तो घबराइएगा नहीं, यहाँ से मोड़ दें। फिर थोड़ा तेल ब्रश कर दें। फिर इसको पलट दें। फिर हमारा रोल तैयार हो गया। गैस बंद कर दें। रोल तैयार हो गया है। बाकी जो कबाब वगैरह है आप ऊपर से थोड़ा गार्निश भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। ये है मेरा होममेड रोल, कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा। सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब कैसे घर पे बना के जरूर खाइए। थैंक यू।